हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक लेट्स कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्स लेट्स बिगिन पहला क्वेश्चन है द स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है तो पहला डिफरेंस क्या होगा एसिड सोर इन टेस्ट बेसिस बिटर इन टेस्ट दूसरा होगा एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है बेस क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है ये दूसरा डिफरेंस तीसरा डिफरेंस एग्जाम्पल देते हैं तो एसिड एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फरिक एसिड बेस के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तीन डिफरेंसेस हो गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ने टू में यानी अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर इट टर्स रेड लिटमस ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदल देता है बेस तो इसका आंसर होगा बेस इसका नेचर क्या होगा बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑप्टेन तो पहला है लाइकेन लाइकेन से हम लोग ऑप्टेन करते हैं टर्मरिक भी है चाइना रोज सोल्यूशन भी है तो ये सब तीनों हो जाएगा फोर्थ है इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल हाउ वुड यू वेरीफाई डिस्टिल वाटर आपका बेस ही है कि बेस के न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है कैसे वेरीफाई करेंगे लिटमस टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा रेड लिटमस भी डालेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है फोर्थ हो गया फिफ्थ देखते हैं डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कब होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बनेगा क्या सॉल्ट जैसे एग्जाम्पल के तौर, तौर पर देख लीजिए एच एग्ज़ाम्पल है एच सी एल प्लस ये एच सी एल क्या हो गया एसिड हो गया एन ए ओ एच ठीक है ये दोनों रिएक्ट करेगा क्या बनेगा बन जाएगा एन ए सी एल ये देखिए सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल होगा प्लस क्या बनेगा एच टू ओ वाटर रिलीज होगा ठीक है फ्रेंड्स ये एग्जांपल हो गया चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको तो ट्रू और फॉल्स बताना है तो पहला नंबर क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू नहीं ये हो जाएगा फॉल्स ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड नहीं ये भी फ्लॉप फॉल्स हो जाएगा रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है थर्ड नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर ये ट्रू होगा इंडिकेटर इज अ सब्स्टांस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन ट्रू हो जाएगा टूथ डिके इज कॉच बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस बेस के कारण दांत में शरण होता नहीं एसिड के कारण दांत में शरण होता ये हो जाएगा फॉल्स ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉर्जी है जो फ्यू बॉटल्स उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक है कुछ सॉफ्ट ड्रिंक एसिडिक है बेसिक है कुछ न्यूट्रल है कस्टमर को अलग अलग चाहिए लेकिन उसमें ले लेवल नहीं किया हुआ तो कैसे पता लगा कि कौन एसिड है, है कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है तो वो लिटमस टेस्ट करेगा हर एक बोतल में रेड लिटमस ब्लू लिटमस डाल के देखेगा अगर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाएगा तो वो इसका मतलब वो एसिडिक है अगर ब्लू uh, लिटमस अगर सॉरी रेड लिटमस अगर ब्लू में बदल जाएगा तो वो बेसिक है और कोई अगर चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन वाई एंड एंटा एसिड टेबलेट इज़ टेकन वेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी जब एसिडिटी होता है तो एंटा एसिड क्यों लेते हैं तो आपको पता ही है पेट में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडिटी होता है इस केस में एसिड को न्यूट्रल कौन करता है बेस करता है और एंटा एसिड टैबलेट में बेस होता है इस तरह से एसिड न्यूट्रल हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का बी कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन वेन अन स्पाइड तो चींटी जब काटती है तो क्या होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड होने के कारण जलन होने लगता है कैलामाइन क्या है एसिड को कौन न्यूट्रल करेगा बेस करेगा ठीक है तो कैलामाइन में बेस होता है जहाँ चीटी ने काटी है अगर वहाँ बेस डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जलन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा सी देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं क्योंकि फैक्ट्री फैक्ट्री वेस्ट बहुत एसिडिक होता है पॉइजनस होता है ठीक है और उसको अगर वो न्यूट्रलाइज़ करने से पहले ही अगर हम लोग फेंक देंगे नदी में या ज़मीन पर तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल करेगा इसलिए उसको डिस्पोज करने से पहले हम उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देता है थ्री लिक्विड्स आर गिवन टू यू वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड थर्ड इज सुगर हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे नहीं सॉरी यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर है टर्मरिक इंडिकेटर में क्या होगा टर्मरिक इंडिकेटर होता है येलो कलर का एसिड येलो कलर को चेंज नहीं कर पाता लेकिन बेस अगर आप डालेंगे तो येलो कलर रेड में हो जाएगा तो सॉल्यूशन उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाल के देखेंगे ठीक है अगर जो टर्मरिक है पेपर टर्मरिक इंडिकेटर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब वो बेस है अब क्या होगा उस पर क्या डालेंगे हम लोग सुगर डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा तो फिर ए डालेंगे तो ए अगर डालेंगे तो, तो रेड को फिर से इसमें क्या कर देगा येलो में बदल देगा ठीक है बाकी तो वो ए हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो बेस हो गया इस तरह से हम लोग पता लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं ब्लू लिटमस पेपर इज डिफ्ट इन सोल्यूशन ब्लू लिटमस एक सोल्यूशन में डाल दिया इट रिमेंस ब्लू ब्लू ही है वॉट इज वॉट इज द नेचर ऑफ ब्लू है तो, तो ब्लू इसका मतलब बेस है क्योंकि बेस तो ब्लू को नहीं चेंज करता है एसीडी ब्लू को चेंज करता है ठीक है इसका मतलब बेस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर बोथ एसिड एंड बेस सारे इंडिकेटर का कलर को चेंज करता है नहीं नहीं करता है टर्मरिक को नहीं करता है एसिड टर्मरिक को नहीं करता इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ सही है ये वाला सही है ए भी सही है ए भी सही है ये गलत है ए तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक है बाकी और सारे एक्टिविटीज़ है जो घर में करना है अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग यू वीडियो